अब हिसार हरियाणा में रहने वाली एक 11वीं 10वीं क्लास की बच्ची अपने पापा को बोल रही है माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए, क्या मैं चढ़ सकती हूँ माउंट एवरेस्ट, क्या मैं वहाँ तक जाने की हिम्मत रखती हूँ। लड़की शॉर्ट्स पहन रही है, 3-3 घंटे घर नहीं आती है, रात रात भर प्रैक्टिस करती है, सड़कों पे दौड़ती है। पाल में हम लोग होटल के रूम में है, पापा पास फ़ोन करते हैं कि नहीं हम लोग नहीं कर सकते स्पॉन्सरशिप, क्योंकि या तो मैं एक लड़की हूँ और उन्हें भरोसा नहीं है कि मैं कर पाऊंगी क्लाइंब या नहीं। और ये कह के मेरे पापा रोने लगे। एक बेटी को आगे बढ़ा रहे हैं मेरे पापा, हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ मैं वहाँ पर जाके जहाँ पे साक्षात मौत है, ठीक है, जहाँ पर साक्षात आप मतलब सामना करोगे कि कैसे मर सकता है इंसान। मेरी मम्मी और मेरे भैया हम लोग एक साथ बैठे थे, बेड पे बैठे थे, नॉर्मली हम लोग बातें कर रहे थे और भैया ने एक स्मार्टफोन खरीदा था। तो उन्होंने मम्मी को बताया, मम्मी देखो ये गूगल है, यहाँ पर सब कुछ मिलता है, हमें किसी जगह जाना हो गूगल बताएगा, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए गूगल बताएगा। एंड मैं तो क्यूरियस थी, मैंने पूछा कि गूगल पे मेरे को भी सर्च करो, गूगल मेरे बारे में क्या बताता है। गूगल ने तो कुछ भी नहीं बताया। और अब भी मैंने मम्मी से पूछा कि मैं क्या इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ, तो क्या मुझे कोई नहीं जानता और मुझे कोई कैसे जानेगा। तो भैया ने मुझे जवाब दिया कि बेटा गूगल पर आने के लिए आपको अपने नाम से अपनी पहचान बनानी होगी। मैंने बोला ठीक है, बस मुझे एक बात पता लगी कि मुझे गूगल पर आना है, अभी कैसे आना है आई विल प्लान, वो मेरी ड्यूटी है अभी, मैं कैसे आने वाली, कैसे मैं इतना आगे बढ़ी उसकी जर्नी का जो एक छोटा सा वो चिंगारी बोलते हैं ना आग लगने के लिए, वो था। गूगल पर आने के लिए बड़े काम करने होते हैं, तो मुझे वो चीज़ मेरे माइंड में स्टक करी। एंड अभी आई वॉज प्रिपेयर्ड कि मुझे तो गूगल पर ही आना है। ये मेरी जर्नी की स्टार्टिंग थी। और एंड तो मेरी जर्नी अभी हुई नहीं है, अभी उसका बीच में एक जो बदलाव आता है, एक जो ऊंचाई को मैं छूती हूँ, वो ऊंचाई थी माउंट एवरेस्ट, जो कि मैंने 16 मई 2018 को किया। 8848 मीटर की ये चोटी जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। मेरे दिल को तसल्ली वो कब मिली, वो मिली जब पूरी जर्नी होने के बाद कुछ नहीं फर्क पड़ता, मैं नहाई हूँ, मेरा मुंह धुला है, मैं थकी हुई हूँ, मुझे वापस घर जाना है, खाना खाना है, पेट में कुछ गया नहीं है पिछले इतने दिनों से। फर्क ये पड़ता है कि क्या मैं गूगल पर आई, मुझे वाईफाई कनेक्शन मिलता है जहाँ पर मैं सर्च करती हूँ शिवांगी पाठक। और इस वक्त सिर्फ मैं नहीं, पूरी दुनिया मेरा नाम सर्च कर रही थी कि कौन है वो बच्ची जिसने 16 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट कर लिया। और सबसे पहले जब मैंने सर्च किया तो मुझे ऊपर ऊपर ये दिखा कि मोदी जी ट्वीट्स शिवांगी पाठक। और वो मोमेंट था जो मुझे टॉप ऑफ द वर्ल्ड जैसी खुशी दे पाया। हेलो, मेरा नाम है शिवांगी पाठक, 16 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली भारत की पहली बेटी बनी हूँ मैं। उसी के साथ माउंट किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रुस को भी मैंने फतह किया है। 2019 जनवरी में मुझे प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार का अवार्ड भी मिल चुका है। मैं प्लेन एरिया से बिलोंग करती हूँ, हरियाणा हिसार में रहने वाली एक बच्ची हूँ मैं। और मैं बचपन से ही थोड़ी शरारती, थोड़ी फूडी, मतलब हर मुझे लगता है हर जो नटखट वाली क्वालिटी है वो सब मेरे में थी। मैं रूम में बैठी थी अपने, मुझे पढ़ाई करनी थी, मम्मी ने मुझे बोला एक सेमिनार है वहाँ चलो मेरे साथ, बट मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना, मुझे मेरे रूम में रहना है। तो मम्मी ने मुझे आराम से बोला गुलाब जामुन भी है और टेस्टी खाना भी। तो अभी तो मैं यूं कूद के खड़ी हुई, यूं कूद के कपड़े बदले और यूं कूद के पहुँच गई गुलाब जामुन के पास। लेकिन वो गुलाब जामुन से मुझे लगता है मेरी पूरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था वो। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री थी चल रही थी जिसमें बता रहे थे कि कैसे लोग पहाड़ों को चढ़ते हैं, कैसे लोग एडवेंचर लवर क्या होता है और वो क्यों एडवेंचर से प्यार करते हैं। तो वो जो मैं चीज़ मैंने देखी फर्स्ट टाइम, मैंने शायद इतना इंटरेस्ट लेके किसी चीज़ को फोकस से मैं देख रही थी और मम्मी मेरे साथ थी। और मम्मी ने पूछा बेटा इतना इंटरेस्ट आ रहा है, तो मम्मी बोले इतना सीरियस है, तो मैंने कहा बहुत सीरियस हो, तो ठीक है भाई पापा से बात करते हैं। पापा से बात करी, पापा बोले माउंट एवरेस्ट क्या होता है, क्या करेगी उसमें चढ़ के, कितना बड़ा है, कितने दिन लगेंगे, घर से बाहर जाना होगा। अब हिसार हरियाणा में रहने वाली एक 11वीं 10वीं क्लास की बच्ची अपने पापा को बोल रही है माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए, तो पापा तो पूछेंगे ना क्या होता है। तो इन सब के बाद पापा की सारी क्यूरियोसिटी को शांत किया, तो पापा का सुझाव ये था कि एक बार किसी पहाड़ पर जाकर देख। तो पहाड़ पर जाने के लिए 83 मीटर की हाइट से मुझे बंजी जंपिंग करनी थी, जिसको लगभग 6-7 दिन बाद हमने डिसाइड किया हम लोग ऋषिकेश जाएंगे, वहाँ पे बंजी जंपिंग करेंगे, ठीक है। तो मैंने देखा नीचे तो मुझे लगा कि कूदूं के नहीं कूदूं,
बट एक ही जवाब था कि कूदना ही है, गूगल पर आना कि नहीं आना, पहाड़ चढ़ना है, माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, इतना बड़ा सपना इतने से थोड़ा ना खत्म हो सकता है। कूद गई मैं, मुझे पता भी नहीं लगा। कूदने के बाद जो मुझे एहसास हुआ वो एहसास मतलब हो ही नहीं सकता कहीं और पर, आप ले ही नहीं सकते। एक इतनी तसल्ली मिलती है आपको कि हाँ है वो आप में चीज़, है आप में दम, आप किसी चीज़ को करने के लिए ही बने हो। आप एक जिद में आ जाते हो, आप जुनून और जोश में आ जाते हो। अभी मेरे पापा ने डिक्लेयर किया कि चलो भाई हमारी लड़की फियरलेस है, उसे नहीं लगता डर, अब चढ़ लेगी माउंट एवरेस्ट। इतने 83 मीटर से मुझे अब 8848 मीटर को कवर करना था और 83 फिट से इवन, तो ठीक है अभी आई वॉज रेडी। अभी मुझे क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप था मेरा वेट लूज करना, जिसमें क्योंकि मैं फूडी थी तो मैं मोटी थी तो पतला होना था, पतला होने के लिए वेट लूज मतलब खाना छोड़ना, फूड छोड़ना। खाना छोड़ना एक भाई बड़ा टास्क होता है, ठीक है, और वो भी उसके लिए जिसको खाना इतना पसंद हो, बट ठीक है क्योंकि मेरा एम इतना बड़ा था तो मेरी मुश्किलें भी बड़ी होंगी। अभी मैंने खाना छोड़ा, अपना ऑलमोस्ट 15-20 केजी वेट लूज किया विद इन 3 मंथ्स मैक्सिमम। और नवंबर 2017 में फर्स्ट टाइम मैंने सोचा था माउंट एवरेस्ट को करने का, एंड अप्रैल 2017 में आई वॉज इन कश्मीर बेसिक माउंटेनिंग कोर्स, और अभी मुझे उस कोर्स को 1 महीने तक करना था। 1 महीने बाद वो मुझे ग्रेड देंगे, उस ग्रेड पे मैं, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली और साथ में वो इंस्ट्रक्टर्स डिसाइड करेंगे कि क्या मैं चढ़ सकती हूँ माउंट एवरेस्ट, क्या मैं वहाँ तक जाने की हिम्मत रखती हूँ। तो यहाँ से मेरी जो मेन जर्नी थी, मेरी पहाड़ों की जर्नी, मेरी मेहनत की जर्नी, वो यहाँ से स्टार्ट हुई। अभी मैं सुबह उठती थी 5:30 बजे, मामा मुझे ट्रेनिंग पे लेके जाती थी, कुछ टाइम तक यही चला, वो मुझे लेकर जाती थी, मुझे लेकर आती थी, फिर शाम को फिर से वो मुझे लेकर आती थी ट्रेनिंग पे और छोड़कर आती थी, सब ऐसा। बट फिर उन्होंने मुझे बोला कि अभी कब तक मैं करूँगी, अभी उन्होंने मुझे भेजा क्योंकि मैंने उन्हें विश्वास दिलाया। एक बच्चे को अपनी माँ बाप को विश्वास दिलाना सबसे बड़ा पॉइंट है उसकी लाइफ का, और ये हमारी ड्यूटी है, हमें ही अपने मम्मी पापा को विश्वास दिलाना है कि हरियाणा हिसार में तो पहाड़ है ही नहीं। तो मुझे, मैं बैग लेकर अपने कंधे पे रक्सैक जो हम बोलते हैं जिसे, उसे डालकर, मुझे याद है मैं पुल पे भागा करती थी, जो पुल नॉर्मली हमारे घर सड़कों पे होते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं, उन पुल पे पीछे पीछे मम्मी की स्कूटी या पापा की गाड़ी होती थी और आगे मैं भाग रही होती थी। अदरवाइज मम्मी पापा, हाँ उनको बहुत लोग बोलते थे, सोसाइटी बोलती थी, दादी को आके बोलते थे, और एज आई बिलोंग टू अ जॉइंट फैमिली तो चाची को आके बोल देते थे कि जो मम्मी है वो पूरा टाइम उसको लेके निकल जाती है, आगे बच्चे हैं पीछे बच्चे हैं, बहुत बातें सुनते थे। कई बार मम्मी को ये भी सुनने को मिला हमें कि जब देखो तैयार श्यार हो के दोनों माँ बेटी निकल लेती हैं, कभी गाड़ी पे निकल रही हैं, कभी स्कूटी पे निकल रही हैं, लड़की शॉर्ट्स पहन रही है, 3-3 घंटे घर नहीं आती है, रात रात भर प्रैक्टिस करती है, सड़कों पे दौड़ती है, तो ये सब सुनने को मिलता था। लेकिन मैंने ना ये बात मेरी मम्मी से ही सुनी थी कि बात भी उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है, तो भाई हमारे में तो बात थी तो आप लोग करो बात, ठीक है। और रही बात पापा की और पूरी फैमिली की ना, तो नहीं, उन लोगों को मैंने शायद इतना विश्वास दिलाया था ना कि मेरा एम इतना ऊंचा है ना, मैं एक बेटी हूँ, मैं आने वाले टाइम में कैपेबल बनने वाली हूँ, हर बेटी को मैसेज देने की कि हाँ तुम कर सकती हो, तुम्हारे में जिद है, तुम्हारे में जुनून है, तुम्हारा सपना सच्चा है, तुम्हारी नीयत साफ है, तो तुम कर सकती हो, मम्मी पापा भी नहीं रोक सकते। बहुत लोग बोलते हैं ना मेरे पापा मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरी मम्मी मुझे रोक देती हैं, मैं लड़की हूँ, मैं बाहर जाऊँगी, मुझे पीरियड्स होते हैं, मुझे ये होता है, अरे तो क्या हो गया, सबको होते हैं भाई, मुझे भी हुए। व्हेन आई वाज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं जब ऊंची उस चोटी के बिल्कुल टॉप पे खड़ी थी, मेरे हाथ में तिरंगा था, मैं रो रही थी, हंस रही थी, उस वक्त भी आई वाज इन माय पीरियड्स, तो क्या हो गया, नहीं किया क्या, मैंने किया, मुझे पता है मैंने किया, और जब मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं ना, मेरा भी शरीर वही है जो आप सबका है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक बहाना है आगे तक ना जाने का कि सोसाइटी क्या बोलेगी, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर हम सही हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अप्रैल 2017 जो था उस वक्त आई डिसाइडेड कि मेरे को अब माउंट एवरेस्ट के लिए जाना है, मैं बेसिक कोर्स में जा रही हूँ और ऐसा करना है। अप्रैल 2018 मैं माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर थी। विद इन 1 ईयर, अभी 1 साल के अंदर ही अंदर मैंने वो कर दिखाया जिसका सपना मैं आज से 1.5 साल से ले रही हूँ। सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने पूरा ट्रैक कवर किया, मैं पूरे ग्रुप के साथ रही, वहाँ पर टाइम से पहुँची,
और वहाँ पहुँचने के सेकेंड डे मुझे बुखार आया और वो बुखार मुझे लगभग 15 दिन तक 103 पे बुखार मुझे रहा। एक दिन मुझे याद नहीं है कि वो मेरा बुखार उतरा हो। उस बीच में भी मैंने ट्रेनिंग करी, मैंने डॉक्टर्स को बताया वहाँ पर, जो एक डॉक्टर की टीम हमारे साथ जाती है, उन्हें बताया कि मुझे ऐसे ऐसे फीवर है, तो उन्होंने कहा इट्स वेरी नॉर्मल, आप माउंटेन्स में हो, ठंड तो लगेगी, बुखार तो आएगा ही, ठीक है, और आपकी बॉडी अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, वो तो सबको ही पता था। तो वो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग था, वो 15 दिन 103 डिग्री बुखार में बिताना और इतना माइनस डिग्री में, इतनी ठंड में वो 15 दिन बिताना, इट वॉज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ माई होल जर्नी माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने में। एक्चुअली माउंटेनिंग और एडवेंचर फील्ड ही ऐसी है, वो है ही महंगी, आपको उसमें एक्सपेंसिस चाहिए ही चाहिए, तभी तो हम लोग स्पॉन्सर्स को ढूंढते हैं। हर स्पोर्ट्स पर्सन ये चाहता है कि उसे स्पॉन्सरशिप मिले, लेकिन अब माउंट एवरेस्ट पे पहुँचने के बाद कितना पैसा लगता है, कैसे आप ऊपर चढ़ते हो, ये सब की जब तैयारी हुई तो जैसे हमें पता लगा फाइनेंशियली हमें 35 लाख रुपीज़ का एटलीस्ट अरेंजमेंट करना होगा वहाँ पर जाने के लिए। तो वो एक मतलब शॉकिंग न्यूज़ थी हम सबके लिए, हम लोग शॉक थे कि अब ये कैसे करेंगे। बट फिर एक कंपनी आई उठकर, उनको हमने अपना, मैंने अपना रिज्यूमे दिया, मम्मी पापा ने सपोर्ट किया, वहाँ तक गए, उनसे बात करी, तो उन्होंने बोला कि हम लोग स्पॉन्सर करेंगे। लेकिन अभी बिल्कुल एंड में, जब मुझे याद है अभी भी, वो 3rd of April थी, मुझे 6th April को जाना था बेस कैंप को क्लाइंब करने के लिए। 3 April को उनका फ़ोन आता है, हम लोग अभी नेपाल में हैं, मतलब ये भी नहीं कि हम इंडिया में हैं, हम लोग घर में बैठे हैं अपने, नेपाल में हम लोग होटल के रूम में हैं, पापा पास फ़ोन करते हैं कि नहीं हम लोग नहीं कर सकते स्पॉन्सरशिप, क्योंकि या तो मैं एक लड़की हूँ और उन्हें भरोसा नहीं है कि मैं कर पाऊँगी क्लाइंब या नहीं, हमें क्या गारंटी है कि ये माउंट एवरेस्ट को सबमिट करेगी। एक 16 साल की बच्ची को आप कैसे भेज सकते हो इतने बड़े पहाड़ को चढ़ने के लिए? और उन्होंने बल्कि हमें ये सजेशन दिया कि आपको भी नहीं भेजना चाहिए, आप बच्ची के बारे में सोचो, आप उसके माँ बाप हो, उसे घर पर रखो। तो मुझे लगता है कि शायद वो बहाना ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने नेक्स्ट डे बोला कि अभी इसकी उम्र बहुत छोटी है और हम 35 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कैसे करें और हमें क्या गारंटी है कि वो चढ़ के आएगी। तो ये सब जब पापा ने बातें सुनी, पापा वहाँ पे, मुझे अभी भी याद है, फ़ोन पे कुछ नहीं बोल पाए, उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि सिर्फ 3 दिन पहले वो लोग ये चीज़ बोल रहे हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ थी। वो कंपनी क्या है, कैसे है, मुझे, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो चीज़ गलत थी। और ऐसे लोग भी मिलते हैं लाइफ में, लेकिन अगर आपका एम सही होगा ना तो आप पहुँच जाओगे। मेरे पापा ने देखा कि जब बच्ची इतना बड़ा सोच सकती है तो हम एक छोटा सा काम नहीं कर सकते इसके लिए। तो मेरे पापा ने चाचू को कॉल किया वहाँ पे, क्योंकि नेपाल में इंटरनेशनल नंबर पे कॉल नहीं जा रहा था, तो पापा ने नीचे आके रिसेप्शन पे मेरे चाचू को कॉल किया घर में और चाचू को बोला कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत है और शिवांगी के लिए 35 लाख रुपए का इंतज़ाम करना है, तुझे लगता है हम कर पाएंगे? और ये कह के मेरे पापा रोने लगे और मैं वहीं सीढ़ी में खड़ी होकर ये सब सुन रही थी। और जैसे ही मैंने देखा मेरे पापा रो रहे हैं, मैं मम्मी पास गई और बोला कि मुझे चढ़ना ही नहीं है माउंट एवरेस्ट, मेरे जिस सपने ने, मेरे जिस एम ने मेरे पापा को ही रुला दिया, तो वो कैसे मैं पूरा कर लूँ? मतलब हो सकता है शायद मैं, मम्मी नहीं, मैं नहीं बनी है चढ़ने के लिए। क्योंकि जब फाइनेंशली इंसान वीक होता है ना, तो उसको कुछ नहीं सुझाव आता, वो फिर नहीं कर पाता कुछ, बहुत कमज़ोर हो जाता है उस पोजिशन पर इंसान। तो यही हुआ, मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, तेरा काम था यहाँ तक पहुँचना और तेरा काम है वहाँ पर पहुँचना, पैसे का इंतजाम करना अब ये हमारा काम है, हमें करने दे, हम देखते हैं कैसा होता है फिर डिसाइड करेंगे। तो चाचू ने वहाँ से बोला, मेरी दादी, चाचू, उन सब ने बोला कि तू बिल्कुल ना फिक्र कर, अगर हमारी बच्ची इतना बड़ा चीज़ सोच सकती है तो हम क्या इतनी सी चीज़ नहीं कर सकते, हम करेंगे भाई, तू मेरे को 1-2 दिन का टाइम दे, मैं कोशिश करता हूँ। अभी हमारे पास 3 दिन पड़े थे और मैं अभी भी, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं ये खुद के मुंह से बोल रही हूँ कि 1 दिन के अंदर अंदर मेरे पापा, चाचू, दादी, इन सब ने मिलके 35 लाख रुपए का इंतज़ाम किया, किसी से इंटरेस्ट पे वो पैसे उठाए, नेपाल एजेंसी में जमा कराए और मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ने गई। और अभी भी मुझे याद है 9 मई 2018 को, 9 मई को मेरे पापा का बर्थडे होता है, उस दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने पापा को फ़ोन किया बेस कैंप से कि पापा मैं बेस कैंप पे हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे लगता है मैंने 3-4 दिन बाद फ़ोन किया था, और क्योंकि उनका बर्थडे था तो मैंने विश किया था। तो उन्होंने मुझे बताया, भैया ने, कि शिवांगी आज ही के दिन हमारे घर, हमारा घर मॉर्गेज हो गया है और हमें लोन मिला है, तो जिन्हें हम इंटरेस्ट दे रहे थे अभी तक
उन्हें इंटरेस्ट पूरा पैसा वापस देकर घर के लोन से, और अब घर को हमने मॉर्गेज कर दिया। तो उस दिन मैं सच बताऊं तो मैं एक, वो कहते हैं ना टूट जाना, तो मैं टूट सी गई थी कि यार मतलब मेरे सपने को पूरा करने के लिए एक बेटी को आगे बढ़ा रहे हैं मेरे पापा, हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ मैं वहाँ पर जाके, जहाँ पे साक्षात मौत है, ठीक है, जहाँ पर साक्षात आप मतलब सामना करोगे कि कैसे मर सकता है इंसान। एक वो होता है ना पैसे दे के सुसाइड करने जा रही हूँ मैं, मुझे तो ये लगने लगा था, बट नहीं। फिर मैंने सोचा कि इतनी मेहनत करी मैंने, इतना सब कुछ करा, कोई बात नहीं, मेरा सपना बड़ा है, मेरे पापा ने करा है, बस मुझे अब उन्हें वापस देना है, ठीक है, उन्होंने अपना ड्यूटी अपना फ़र्ज़ निभाया है, मुझे उनको वापस देना है, करके दिखाना है ये। तो उस वहाँ पर टूट जाने की जगह फिर मैंने मेरे माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि फाइनली मैंने उसको क्लाइम किया। वो देख रही हो वो सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ मुझे दिखा रहे थे, तो उन्होंने बोला अभी ऐसे ऐसे 4-5 क्रॉस करके हम लोग उस टॉप तक पहुंचेंगे। जैसे ही मुझे पीरियड्स हुए मुझे एहसास हुआ इस चीज़ का, और मैंने मेरे शेरपा को बोला कि दाई मुझे तो पीरियड्स हो गए हैं, तो जब आप 90 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलती है तो हाथ बाहर निकालोगे ना आपका हाथ पीछे चला जाएगा, इतनी तेज वो हवा आती है, तो वो हवा वहाँ पर होती है। उनके सिर से खून बह रहे थे, उनकी उंगलियाँ काट दी गई थी तब तक, क्योंकि फ्रोज बाइट हो गया था उन्हें, और फ्रोस्टबाइट सुना था जो स्लीपिंग बैग होता है हमारा उसके अंदर उन्होंने डेड बॉडी को, मतलब डेड बॉडी ही थी वो बस सांस ले रहे थे, वो दर्द से करहा रहे थे। पर मैंने ऐसे किया तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ब्लीडिंग कैसी है, तो वो ब्लीडिंग ऐसी थी कि हवा इतनी तेज़ थी ना कि वो इस चीज़ को फाड़ दिया उसने। 16 मई 2018 को सुबह 8:21 पे सारी नींद उड़ गई मेरी, सब खत्म हो गया, क्योंकि मैं